हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ निशा कौर एजुकेशन। आज हम केंद्रीय विद्यालय का की बुक का थर्ड क्लास की बुक का यूनिट 5 का चैप्टर द बैलून मैन को पढ़ेंगे। चलो ये स्टार्ट करते हैं। डज अ बैलून मैन विस्ट योर मार्केट, लेट्स सी व्हाट दिस बैलून मैन ब्रिंग्स विथ हिम। क्या कोई गुब्बारे वाला आपके बाजार में आता है? देखते हैं गुब्बारे वाला अपने साथ लेकर क्या आता है। ठीक है, एक बैलून मैन की ये कहानी है। द बैलून मैन, ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बैलून्स ए लवली बंच एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। जिस दिन बाजार का दिन होता है वह मार्केट में आता है। ही ऑलवेज मतलब जिस दिन भी बाजार का दिन होता है उस दिन वह बैलून वाला मार्केट में आता है। एंड होल्ड्स बैलून, और वह अपने पास बैलून को पकड़े हुए रहता है। ए लवली बंच, एक प्यारा सा गुच्छा बनाकर बैलून्स को पकड़े हुए रहता है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और वह मार्केट में जो चौक होता है बाजार का वहाँ पर हमेशा रुकता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, सीम्स मतलब प्रतीक होना, जान पड़ना, लगना मतलब। एंड नेवर सीम्स, ऐसा लगता है कि वह कभी भी अपने लंच के बारे में नहीं सोचता है। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड व्हेन इट इज अ सनी डे द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन यू सी देम शाइनिंग फॉर अवे। दे आर, वे हमेशा बैलून जो उसके होते हैं हमेशा रेड, लाल कलर के, पर्पल कलर के, ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के होते हैं। एंड व्हेन इट इज अ सनी डे, और जब धूप निकलती है ना, जिस दिन धूप वाला दिन होता है उस दिन द कार्ट एंड पीपल गेट बिटवीन, और जब धूप वाला दिन होता है उस दिन कार्ट्स मतलब गाड़ियाँ और पीपल गेट बिटवीन लोगों की भीड़, यू सी देम शाइनिंग फॉर अवे, और आप उस दिन मतलब हम देखते हैं जिस दिन धूप वाला दिन होता है उस दिन बैलगाड़ी कार्ट पीपल लोगों की भीड़ वगैरह रहती है, उस दिन दूर से ही ये बैलून हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ऑल टाइड टूगेदर विथ अ स्ट्रिंग, एंड इफ देयर इज अ वाइंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। कुछ इसमें बड़े और कुछ छोटे बैलून होते हैं। एंड टाइड टूगेदर विथ अ स्ट्रिंग, सब एक डोर से जो टाइड मतलब होता धागा, धागा से बंधे हुए होते हैं। एंड इफ देयर इज अ वाइंड एट ऑल, और अगर कहीं हवा चल रही हो तो वो हमको ऐसा लगता है कि किसी चीज की तरह खींचते खींचते हुए आ रहे हैं, खींचते हुए दिख रहे हैं। समडे परहैप्स ही विल लेट देम गो एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो दे वुड लुक प्रीटी इन द स्काई। समडे मतलब कुछ दिन हम सोचेंगे शायद कि हम उन्हें ऊंची उड़ान भरते हुए देखते और खड़े होकर उन्हें से देखेंगे कि वे आकाश में कितने सुंदर और प्रीटी मतलब बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखते हैं कि वे उड़ते हुए हमको कैसे लगते हैं। थैंक यू।